हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऋषि टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज किस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ वो तो आपने टाइटल और थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो बड़े क्रिएटर्स अपनी वीडियोज़ में फनी साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, बने रहिए वीडियो में एंड तक। इस वीडियो को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इस वीडियो को मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। सो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। उसमें आपको सर्च करना है अमित भड़ाना फ़नी साउंड इफेक्ट्स। सो गाइस, अमित भड़ाना फ़नी साउंड इफेक्ट्स करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सुन के देख सकते हैं कि किस में सारे साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं। सो गाइस, जैसे मैं यही चुन लेता हूँ, ये वाली वीडियो का साउंड इफेक्ट मैं चुन लेता हूँ। इसमें सारे साउंड इफेक्ट्स हैं। ये शॉकिंग वाला भी है, बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं। इसे मैं डाउनलोड करने के लिए यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से नीचे आके ये विडमेट वाले डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। अगर आपके पास विडमेट नहीं है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 360p में 5 MB में, और ये मैं इसे लो क्वालिटी में ही कर लेता हूँ, सबसे लो क्वालिटी में, क्योंकि यहाँ पे वीडियो का काम नहीं है, सारा ऑडियो का काम है। और फिर इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुकी है, अभी इसमें मर्जिंग हो रही है। सो गाइस, अब ये पूरी तरह डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे ऐड है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। सो गाइस, पहला स्टेप हमारा ख़त्म हो गया, अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। सो गाइस, दूसरा स्टेप ये है, हमें अपने काइन मास्टर ऐप में आना है। सो गाइस, काइन मास्टर ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, वहाँ से जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, काइन मास्टर में हमें इसलिए आना है क्योंकि ये वीडियो में कई सारे साउंड इफेक्ट जो है एक साथ जुड़े हुए, इन्हें अलग करने के लिए हमें काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो काइन मास्टर में हमें यहाँ पे प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है, पहले वाले साइज को सिलेक्ट करना है और फिर अपनी वीडियो चूज़ कर लेनी है जहाँ पे हमने वो डाउनलोड करी है मीडिया में जाने के बाद। सो गाइज, यहाँ पे डाउनलोड्स में ये मिल गई हमें विडमेट के डाउनलोड में। सो गाइज, अब मैं इसे थोड़ा सा प्ले करता हूँ। तो गाइस, ये तो इसका जिसका चैनल है उसका इंट्रो है। सो गाइस, यहाँ से फनी साउंड्स शुरू होते हैं, ये गर्ल लाफिंग का, जैसे मेरे को गर्ल लाफिंग का चाहिए साउंड। सो गाइस, यहाँ से गर्ल लाफिंग का साउंड शुरू होता है, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, ट्रिम ऑफ लेफ्ट कर देता हूँ इसमें मैं, जिससे कि पीछे का सब कुछ हट जाता है। और फिर थोड़ा प्ले करता हूँ। सो गाइस, यहाँ से गर्ल लाफिंग का जो होता साउंड इफेक्ट इतने में ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे राइट साइड से इसे ट्रिम कर देता हूँ। सो गाइस, इतना पोर्शन हम पे आ गया जितने में गर्ल लाफिंग का साउंड इफेक्ट था। सो गाइस, यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे, इस पर हमें क्लिक करना है और इसे एक्सपोर्ट कर देना है। सो गाइस, अब ये गर्ल लाफिंग का जो साउंड इफेक्ट है वो सेव हो चुका है हमारी गैलरी में। सो गाइस, अब बात आती है, ये तो वीडियो में था साउंड इफेक्ट, तो हमें तो इसे ऑडियो में चाहिए। तो गाइस, ऑडियो में करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है विट्री मैप। सो गाइस, चलिए थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। सो गाइस, वो थर्ड स्टेप विट्री मैप से ही पूरा होगा, तो हमें विट्री मैप चाहिए। सो गाइस, विट्री मैप में हमने जो ये वो एक्सपोर्ट की थी वीडियो गर्ल लाफिंग की, इसे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आप सो गाइस, यहाँ पे हमें गर्ल लाफिंग का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ पे हमें इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, एक ट्रिम का ऑप्शन है, एक ट्रांसकोड का ऑप्शन है, एक मर्ज का ऑप्शन है, एक सेव एज MP3 का। तो हमें इसमें से MP3 साउंड अलग करना है, तो हमें सेव एज MP3 पे क्लिक करना है और फिर सेव एज MP3 पे इस पर क्लिक कर देना है। इससे गाइस, अब ये एकदम सेव हो चुकी है हमारी गैलरी में, ये साउंड इफेक्ट सेव हो चुका है। तो गाइस, अब बात आती है हमें इसे यूज़ कैसे करना है। तो गाइस, यूज़ करने के लिए चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। तो गाइस, स्टेप 4 ये, हमें फिर से अपने काइन मास्टर ऐप में आना है। काइन मास्टर ऐप में आने के बाद
हमें वो वीडियो सिलेक्ट करनी है जिसमें हमें ये साउंड इफेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पे हमें मीडिया में जाना है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे मेरे को एक साउंड इफेक्ट ही यूज़ करना है। तो गाइस यहाँ पे आप कोने में ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जहाँ एरो जा रही है ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे वो सबसे ऊपर ही साउंड इफेक्ट आ जाएगा जो आपने ये MP3 में कन्वर्ट किया होगा। इस पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी आप इसे सुन के देख सकते हैं। और फिर यहाँ से प्लस वाला सिंबल है, इस पर आप पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। सो गाइस साउंड के जितने तेज़ आपको साउंड रखना है आप उसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये 100 है, यहाँ से आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं और 200 भी कर सकते हैं। आपको अपने वीडियो के मन मुताबिक आप इसे कर सकते हैं। फिर यहाँ से ओके करके यहाँ पे ये शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइस इस तरह आप भी अपनी वाइंस वाली वीडियो बना सकते हैं, उनमें फनी साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।